top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. अब मरीज आपके पास आया है उस वक्त के लिए उसके कहाँ से आया क्या 9:30 बजे के लगभग आज संतोष झा नाम का एक पेशेंट आया जो कि घायल अवस्था में थे वो बता रहा है उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी उसको भर्ती करके इलाज चल रहा है कितनी चोटें हैं इंजरी उसको पैरों में चोटें हैं और हाथों में चोटें और मुंह पे भी चोटें आई हालत ठीक है उसका एक्सरे एडवाइज किया गया है निरीक्षण में और भर्ती करके इलाज चल रहा है एक्सरे के बाद बताया जाएगा चोट गंभीर है हिस्ट्री बताई उसने क्या हुआ कह रहे कि उसके बताने के अनुसार तो पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट करी जैसे वो बता रहे तो पुलिस को इन्फॉर्म हाँ पुलिस आई थी जानकारी के लिए सूचित किया जाएगा पुलिस डिग्री कॉलेज के पास हाँ नोएडा में हो यहाँ आपकी तरफ तो नहीं हुआ ना आना चाहते हो आ जाओ नहीं तो हम तो निकल रहे हैं यहाँ से कुछ मीडिया वाले हैं बातचीत कर रहे हैं क्या नाम है आपका संतोष क्या हुआ भैया तुम्हारा मैं आरकेपुरम से आ रहा था 10:30-11 के बीच की बात है 3 पुलिस वाले थे अच्छा लेपड़ पे थे हाँ बाइक पे नहीं पैदल उनका जिप्सी था जिप्सी लेकिन अब साइड में खड़ा था तो मैं उनसे बातचीत में मैं जिप्सी पे इतना ध्यान नहीं दे पाया था तो मेरी गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं थी उन्होंने पहले कागज चेक किया तो इंश्योरेंस नहीं था 500 रुपीज मेरे पास पैसा था नहीं इतना और बोले सर मेरे पास तो है नहीं तो मैं दूर से आया हूँ अभी है नहीं मेरे पास इतने में एक पुलिस वाले ने पीछे डंडा मारा इतने में बस फिर और क्या हुआ तुम्हारे साथ में फिर वो मारपीट शुरू कर दी मारने लगे कहाँ ले गए थाने वाने में थाना ले गए लेकिन कौन सा थाना ले गए मुझे याद नहीं कितने बजे घटना है 10:30-11 के रात की तो करंट वरेंट भी लगाया आपको काफी टॉर्चर किया फिर छोड़ दिया गया छोड़ दिया पता नहीं घर वो छोड़ने गए या मैं खुद गया मुझे ये भी नहीं पता सर मैं बेहोश हो गए थे बेहोश हो गया था कौन सा मोड़ था वो जहाँ पुलिस वालों ने आपको रोका सिटी सेंटर है ना वहाँ पे टी पॉइंट है आगे आके जो 31 के लिए आ रहा है अच्छा सर वही टी पॉइंट पे पुलिस वालों ने रोका करते क्या है वैसे टेनिस नहीं खेलता है अच्छा भैया डॉक्टर की बात चलेगी ना इस पे केस होना है पुलिस ने मारा है सब आके अपना स्टेटमेंट ले गए पेपर में आ जाएंगे बाकी भरा ट्रीटमेंट इसका ढंग से करना
अब आगे हमारे मैडम जितना मीडिया है सब आ चुके हैं, आपको कोई नहीं बचा। नोएडा में हो यहाँ हॉस्पिटल में तो नहीं हो ना? बिल्कुल सही हो गया। आना चाहते हो आ जाओ, नहीं तो हम तो निकल रहे हैं यहाँ से, कुछ मीडिया वाले हैं बातचीत कर रहे हैं। नाम है आपका? संतोष। क्या हुआ भैया तुम्हारा? मैं आरकेपुरम से आ रहा था, 10:30-11 के बीच की बात है। तीन पुलिस वाले थे। अच्छा, लेपड़ पे थे? हाँ। बाइक पे? नहीं, पैदल। उनका जिप्सी था। जिप्सी, लेकिन अब साइड में खड़ा था तो मैं उनसे बातचीत में मैं जिप्सी पे इतना ध्यान नहीं दे पाया था। तो मेरी गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं थी, उन्होंने पहले कागज चेक किया तो इंश्योरेंस नहीं था। मैंने 500 रुपये दी, मेरे पास पैसा था नहीं इतना। और बोलते सर मेरे पास तो है नहीं, मैं दूर से आया हूँ, अभी है नहीं मेरे पास। इतने में एक पुलिस वाले ने पीछे डंडा मारा। इतने में बस। फिर और क्या हुआ तुम्हारे साथ में? फिर वो मारपीट शुरू कर दी, मारने लगे। कहाँ ले गए? थाने वाने में? थाना ले गए, लेकिन कौन सा थाना ले गए मुझे याद नहीं है। कितने बजे घटना है? 10:30-11 बजे रात की। तो करंट वरेंट भी लगाया आपको? काफी टॉर्चर किया है। फिर छोड़ दिया गया? छोड़ दिया, पता नहीं घर वो छोड़ने गए या मैं खुद गया, मुझे ये भी नहीं पता। तो बेहोश हो गए थे आप? बेहोश हो गया था। कौन सा मोड़ था वो जहाँ पुलिस वालों ने आपको रोका? सिटी सेंटर है ना, वहाँ पर टी पॉइंट है आगे आके, जो 31 के लिए आ रहा है। अच्छा, वही टी पॉइंट पे पुलिस वालों ने रोका। करते क्या है वैसे? टेनिस नहीं खेलता है बच्चे लोग। अच्छा यार, डॉक्टर की बात चलेगी ना? इस पे केस होना है, पुलिस ने मारा है। पुलिस ने मारा है? हाँ। सब आके अपना स्टेटमेंट ले गए, तो पेपर में आ जाएंगे, बाकी भरा ट्रीटमेंट जिसका ढंग से करना। अब आगे हमारे मैडम जितना मीडिया है सब आ चुके हैं, आपको कोई नहीं बचा।